प्यास भड़की है आज इस दिल में हो बैठे हम पागल तुमको पाने को दिल चाहे वो पहली नजर वो पहला असर। तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल के संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास दो कैसेट प्लेयर आए हैं और ये कैसेट प्लेयर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है और ये दोस्तों रेयर कैसेट प्लेयर है। रेयर समझ रहे हो, अति दुर्लभ, जो कि आपको हर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके हमारे पास फाइनली कितने पीस आए हैं, दो पीस आए हैं, दोनों सेल के लिए आए हैं। और कंपनी कौन सी है आपने तो पहचान लिया होगा, ये है नेशनल पैनासोनिक का हाई क्वालिटी वाला कैसेट टेप रिकॉर्डर। तो आज हम ये दो कैसेट प्लेयर आपको दिखाएंगे, संपूर्ण इसका रिव्यू देंगे और इनको करने वाले हैं सेल। जी हाँ, सेल करने वाले हैं, सिर्फ दो ही पीस हैं और राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार ये कैसेट प्लेयर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दो साल के लंबे इंतज़ार के बाद ये मेरे पास आए हैं। यदि आप ख़रीदना चाहते हैं, पहले आप वीडियो पूरा देखो, आवाज़ सुनो, सारी जानकारी देख लो पहले इसमें है क्या क्या। फिर भी यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। रही बात इनकी प्राइस की, तो प्राइस दोस्तों एक कैसेट प्लेयर की है 8,000 रुपये। जी हाँ, 8,000 रुपये कैसेट प्लेयर है की प्राइस है और डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना और कौन से प्लेयर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर आज का ये संडे स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको नेशनल के पैनासोनिक बूम बॉक्स का रिव्यू। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं जो दो सेट हमारे पास आए हैं नेशनल पैनासोनिक के बूम बॉक्स, कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है। सबसे पहले आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक रेडियो के लिए बैंड मिल जाएंगे, जो कि इसमें चार बैंड है, FM नहीं है। कौन कौन सी अभी दिखाता हूँ मैं आपको, शॉर्ट, शॉर्ट वन, शॉर्ट टू, शॉर्ट थ्री एवं मीडियम। तो इसमें चार बैंड है और यहाँ पर सिलेक्टर है, ये इसमें अपना नेशनल पैनासोनिक का अपना खुद का मैकेनिज्म है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनबिल्ट दो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी आवाज़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमको काउंटर देखने को मिल जाएगा, इसको आप 0-0 कर सकते हैं। यहाँ पर दो ट्विटर लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और यदि हम यहाँ देखें इस साइड, तो इस साइड बहुत कुछ ऐसा है जो कि देखने लायक है। सबसे पहले हमको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर स्टूडियो और मोनो के लिए एक सिलेक्टर है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ट्रिबल और बेस करने के लिए है, ये वॉल्यूम है, ये इसका मैकेनिज्म है, इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है तो उसका भी ऑप्शन है। यहाँ पर हमको सिलेक्टर मिल जाएगा, टैप, रेडियो और लाइन इन, मतलब इसमें लाइन इन भी है और लाइन आउट भी है, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें, आवाज़ भी दे सकते हैं, इसकी आवाज़ बाहर भी निकाल सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इससे कैसेट को MP3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्टर है, यहाँ पर लेबल सिलेक्टर है, जो लेबल यहाँ पर आते हैं उनको कम ज़्यादा और ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर टैप और CRO2 का सिलेक्टर है और यहाँ पर लिखा है मीडियम, शॉर्ट वन, शॉर्ट टू, शॉर्ट थ्री, चार बैंड है, स्टीरियो कैसेट रिकॉर्डर। तो इस प्रकार का इसका है और यहाँ पर एक हमको एंटीना भी देखने को मिल जाएगा, जो कि रेडियो के लिए काम में आता है। चलिए अब इस साइड से देख लेते हैं, इस साइड से देखें तो यहाँ पर दोस्तों हमको लाइन इन और लाइन आउट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम हेडफोन भी लगा सकते हैं और इसमें दोस्तों फोनो भी हमको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं जिन्होंने उस ज़माने में LP रिकॉर्ड प्लेयर चलाए हैं, उनको इस फोनों के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। यहाँ पर दोस्तों हमको लाइट से लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, यदि आप 12 वोल्ट DC से लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। चलिए बैक साइड देख लेते हैं, तो ये रही इसकी बैक साइड, आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पर एक एंटीना और भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम सेल लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों नेशनल पैनासोनिक और मॉडल नंबर है इसका RX5100T, इसका मॉडल नंबर है और ये दोस्तों जापान की कंपनी है, जिसकी यहाँ पर लिखा हुआ है जापान में ये मैन्युफैक्चर हुआ था, नेशनल पैनासोनिक। देख सकते हैं ये बैस का बैक साइड है और इधर देखें तो यहाँ पर ट्यूनिंग मिल जाती है, ये फाइन ट्यून है और ये सिलेक्टर है जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी बैंड, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है इसका, आपको मैंने चारों तरफ से घुमा के दिखा दिया और आपने देख भी लिया।
तो चलिए फिर अब इसको सेटअप कर लेते हैं लाइट में और आपको फिर कैसेट की आवाज़ सुना देते हैं। तो ये रही इसकी लीड, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ गई होगी, हाँ लाइट आ गई है। तो फाइनली मैंने इसको कर लिया है सेटअप, लाइट में कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कि इसकी आवाज़ है कैसे। ये मैंने निकाल लिया मैकेनिज़म और अब मैं कैसेट लगाने जा रहा हूँ। अब मैं कैसेट आपको सुनाने जा रहा हूँ ये वाली, जिसमें नदीम सैफी की आवाज़ है, सुनना आपको भी अच्छा लगेगा। ये लगा दी मैंने और ये है प्ले, ये वाला प्ले होने लगा है दोस्तों। बहुत ही प्यारी आवाज़ है, देखिए। ये है इसका वो सिलेक्टर, आपने आवाज़ सुनी, बहुत ही प्यारी आवाज़ है। इस कैसेट को बाहर निकाल देते हैं और दूसरी कैसेट लगा देते हैं, वो की है बेबी लव मी। इसका भी बहुत अच्छा गाना है, कुमार सानू की आवाज़ में। कई दर्शक बहुत सारे कमेंट करते हैं कि राजा बाबू भाई आप यही वाली कैसेट क्यों लगाते हो, कैसेट तो आपके पास ढेर सारी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के कुछ नियम कानून भी होते हैं, उनको हमको पालन करना पड़ता है। तो जो कैसेट मैं लगाता हूँ ये वाली जो मैंने अभी आपको सुनाई है, इनके कॉपीराइट अभी फाइनली यूट्यूब पर नहीं है, इसलिए हम इनको बड़े देर तक चला सकते हैं, एक मिनट तक चला सकते हैं। और जिनके कॉपीराइट है हम उनको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं चला सकते, नहीं तो हमारे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो उन दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इसलिए मैं ये कैसेट चलाता हूँ और ये कैसेट भी बहुत ही प्यारी है। चलिए कुमार सानू की आवाज़ भी आपको सुना देते हैं। पहली दिल की हाँ वो धड़कन, पहला इंतजार, पहली चाहत का वो सावन, वो पहली नजर, वो पहला असर, वो पहला करार, आपने इसकी आवाज़ भी सुनी, इसकी आवाज़ भी बहुत ही प्यारी आ रही है। वैसे इस कैसेट प्लेयर की मैं एक खासियत मैंने देखी है कि आवाज़ इसकी बहुत ही प्यारी है, ज़बरदस्त आवाज़ है। चलिए आपको एक गाना और सुना देता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है और ये भी मैंने आपको पहली बार भी सुनाया है और इस बार भी और सुना देता हूँ। प्यास भड़की है आज इस दिल में हो बैठे हम पागल, तुमको पाने को दिल चाहे। चलिए एक कैसेट और लगाते हैं, वो भी आपको अच्छी लगेगी। ये नॉन स्टॉप है, वो इसमें लगी है, मैं इसको चेक कर रहा था, तो ये वाली है, इसको हम लगाते हैं इसमें, जिसमें नॉन स्टॉप सॉन्ग है, 90s के हैं। तो आपने आवाज़ सुनी, उम्मीद करता हूँ आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों अभी आपको मैंने कैसेट की आवाज़ सुनाई, चलिए अब हम रेडियो और चला लेते हैं। वैसे रेडियो तो मेरे यहाँ चलता नहीं, मैं आपको सही बताऊं, आपने बहुत सारे मेरे वीडियो देखे भी होंगे तो आपको कहीं से कहीं तक भी कैचिंग नहीं मिलती, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। ये इसका एंटीना है और यहाँ पर एक सिलेक्टर है, ये है रेडियो सिलेक्टर और ये मैंने रेडियो सेलेक्ट कर लिया है और अब कोशिश करते हैं चलाने की। चले तो अच्छी बात है, नहीं चले तो फिर क्या। आपने देखा इसमें आप रेडियो भी चला सकते हैं, इसमें चार बैंड है, मीडियम, शॉर्ट वन, शॉर्ट टू और शॉर्ट थ्री, ठीक है, तो ये चला सकते हैं। बाकी आपके इधर यदि कैचिंग होगी तो इसमें रेडियो भी चलेगा। तो फाइनली आवाज़ भी आपको सुना दी और रेडियो भी मैंने आपको चला के दिखा दिया, पर मेरे यहाँ चलता नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम उसको और दिखा देते हैं उसकी आवाज़ कैसी है। तो इसको वहीं कर देते हैं और आपको ये वाला यहाँ ले आते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपके सामने, दूसरा पीस है, सेम मॉडल है, कोई भी कहीं से भी अंतर नहीं है।
ये भी सेम मॉडल है नेशनल पैनासोनिक, ये देख सकते हैं। और इसमें भी ट्विटर हैं, दो इनबिल्ट स्पीकर हैं, वही के वही चार बैंड हैं। और इधर देखें तो आपको वही के वही सेम फंक्शन देखने को मिलेंगे। ये कनेक्टर है, ये सिलेक्टर है, ये वॉल्यूम है, स्टीरियो मोनो, लाइन इन रेडियो और टैप सिलेक्टर है, लेवल सिलेक्टर है और CRO2 और नॉर्मल है। और इधर देखें तो वही हमको लाइन इन लाइन आउट देखने को मिल जाती है। हेडफोन और फोनो इसमें भी है, 12 वोल्ट DC और लाइट से कनेक्ट करने का है। इधर देखें तो वही के वही सिस्टम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में ये दो सेट हमारे पास आए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर लिखा है RX5100T 5100T। और यहाँ पर इसमें लिखा है नेशनल पैनासोनिक, ये जापान में मैन्युफैक्चर हुआ है। और वही के वही यहाँ पर सेल लगाने वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी कुछ है नहीं, ये सेल लगाने के ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो चलिए इसको कर लेते हैं सेटअप और इसकी आवाज़ भी आपको सुना देते हैं। इसकी आवाज़ भी अच्छी है, सेम उसकी जैसी होगी, लेकिन चलो सुन लेते हैं। दोनों कैसेट प्लेयर मुझे बेचना है, यदि आपको लेना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना और मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। तो चलिए मैंने इसको कर लिया है सेटअप और कैसेट एक बार फिर से लगा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं मैकेनिज्म को नदीम की आवाज़ में। ये भी बहुत अच्छी कैसेट है। चलिए पलट देते हैं। ऐसे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर दोस्तों आवाज़ इसकी बड़ी शानदार लग रही है। मुझे कैसी लग रही है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए कैसेट और सुना देते हैं आपको। तो आपने कैसेट की आवाज़ सुनी, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है। दोनों सेम कंपनी है, सेम मॉडल है, मॉडल नंबर है RX5100T, मतलब 5100T। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर है। चलिए इसमें रेडियो चलाने की कोशिश करते हैं। वैसे रेडियो तो नहीं चलता मेरे इधर, फिर भी एक बार और कोशिश कर लेते हैं। रेडियो सेलेक्ट कर लिया मैंने, उसमें थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, सुन सकते हैं आप आवाज़। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने लगा है रेडियो। बाकी रेडियो भी अच्छा है इसका, कैसेट प्लेयर भी, आपने आवाज़ सुनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये संडे स्पेशल वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि मैं बहुत ही तरीके से बताता हूँ, हर चीज़ आपको क्लियर करके बताता हूँ, तभी लंबा हो जाता है। अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, खरीदना चाहते हैं तो जल्दी संपर्क कर लेना। मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।